मैंने तेल 2 चम्मच डाल लिया, कढ़ाई पे गरम हो चुका है, मैंने चेक कर लिया, देख सकते हैं। इसमें डाल रही हूँ मैं लहसुन, हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने के बाद डालेंगे इसमें लाल मिर्च, मैंने 5 लिया है, आप इसकी जगह हरी मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं। आज मैं बनाने जा रही हूँ सादा भाजी और बैंगन की सब्जी, जो बहुत टेस्टी लगती है। देख सकते हैं मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट के पानी में भिगा के रख लिया है। दो से 3 मिनट के लिए इसे हाई फ्लेम पर पका के इसे ढक देते हैं। तीन से 4 मिनट के लिए बैगन को इसी तरीके से फ्राई कर लेते हैं हाई फ्लेम पे। हमने लिया इसके लिए कांदा भाजी, देख सकते हैं इसे साफ करके धो के रख लिया है, जिसको डालते हैं। देख सकते हैं इसे मैं अच्छे से मिला ली हूँ, उसके बाद इसे कुछ देर ढक के पका ले रहे हैं। देख सकते हैं कुछ देर बाद इसे निकाल के देख रहे हैं, कितने अच्छे से पूरा सब कुछ हो चुका है और कढ़ाई पकड़ नहीं रही थी, और कितना कम हो चुकी है देख सकते हैं। कांदा भाजी बहुत टेस्टी लगती है कांदा भाजी, और बहुत क्विकली से बन जाती है, तो बहुत कम हो चुकी है देख सकते हैं। इसमें हम लोग डाल दे रहे हैं टमाटर, अंदर से चिपकना भी स्टार्ट हो चुकी है, जल्दी से हो जाती है। मैं ऐसे बीच में करके टमाटर को डालूं, मैं काट के रख लिया था। आधा चम्मच थोड़ा ज़्यादा नमक डाल रही हूँ मैं, तो नमक डाल के इसे हाई फ्लेम पे 5 मिनट के लिए ढक के रख दें। ऐसे बीच में टमाटर डालने से टमाटर अच्छे से गलती है, इसलिए हमेशा ध्यान रखें टमाटर को बीच में ही डालें और नमक डाल के अच्छे से ढक दें। देख सकते हैं 4 मिनट के लिए हमने इसे ऐसे ही ढक के रख दिया था, कितना धुआं निकल रही है। और कितना पानी पानी हो चुका है, इसको ऐसे प्रेस करते हुए टमाटर को अच्छे से गला लें। इतना पिघल चुकी है, ऐसे प्रेस करने से और छिलका अच्छे से गल जाएगी। बहुत ही कम चीज़ों से बहुत ही टेस्टी बनने वाली भाजी की सब्जी है, भाजी और बैंगन की, तो आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। अब इसे अच्छे से मिला लेते हैं, देख सकते हैं टमाटर पूरी तरीके से गल चुकी है। तो इसे 4 मिनट के लिए ढक के छोड़ दें, उसके बाद खोल के देखोगे तो ऐसे प्रेस करके टमाटर सब अच्छे से गल जाती हैं। तो अच्छे से मिला के दिखाती हूँ, मैं अच्छे से मैंने मिला ली। इसमें आधा छोटे चम्मच हल्दी पाउडर डाल रही हूँ, सॉरी मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, हल्दी पाउडर इसमें स्किप कर रही हूँ मैं, हल्दी पाउडर नहीं डालूँगी। आप चाहे तो हल्का सा हल्दी पाउडर डाल सकते हैं, मेरे घर में इस सब्ज़ी में हल्दी पाउडर नहीं यूज़ करते हैं, मतलब पसंद नहीं करते हैं, तो मैं नहीं डाल रही हूँ। फिर भी इसके बावजूद भी सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगती है, देख सकते हैं। अब इसमें मैं लगभग भाजी तो बन चुकी है, टेक्सचर भी अच्छा है, इसमें इसमें आधा ग्लास से भी कम पानी डालते हैं। अब इसे अच्छे से उबाल आने तक के लिए छोड़ देते हैं, ताकि टमाटर
लाल मिर्च वगैरह जो भी है जो नहीं पका है वो अच्छे से पक जाएगी। उबाल आने तक के लिए छोड़ दें। देख सकते हैं कितने अच्छे से उबाल आ चुकी है और एकदम छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं लुटपुटा ऐसा सब्जी बनके तैयार है। अब इसमें थोड़ी सी मिर्च ज़्यादा डालें, थोड़ी तीखी अच्छी लगती है, थोड़ी तीखी चटपटी सी, और बिल्कुल अब रेडी है। आधा किलो के आसपास दोनों था बैंगन और भाजी मिलाई, इसमें मैंने 1.5 पाव करीब टमाटर ऐड किया है। आप नमक और मिर्च अपने अकॉर्डिंग और कम ज़्यादा डाल सकते हैं। तो जो जो मैंने यूज़ किया उसे इंग्रेडिएंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी, तो आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। और तब तक के इस रेसिपी को मेरे इंजॉय कीजिए। बाय बाय, तब तक मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप लोग इंजॉय कीजिए।